जाएगी। यूपी में कोरोना संकट के बीच स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि राज्य में 14 जनवरी तक स्कूल बंद किए गए हैं। एहतियातन ये फैसला शासन और प्रशासन स्तर पर। तो जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, उसी संकट के बीच अब स्कूल बंद रखने का फैसला। ये 14 जनवरी तक आदेश लागू रहेंगे। तो यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इसकी घोषणा की है। 8वीं तक के लिए विंटर वेकेशन की घोषणा। राज्य में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक छुट्टियां रहेंगी। तो यूपी में 15 जनवरी 2022 के बाद ही खुल सकेंगे स्कूल। यूपी बोर्ड ने जारी किया 2022 का एकेडमिक कैलेंडर। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको हम कोरोना संकट के बीच दे रहे हैं। स्कूलों को लेकर ये बड़ा फैसला, 14 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। तो यूपी बोर्ड ने जारी किया 2022 का एकेडमिक कैलेंडर। यूपी में कुल 113 दिन के लिए बंद रहेंगे स्कूल। तो प्रदेश के स्कूलों में सिर्फ 237 दिन की पढ़ाई होगी। 15 दिनों में आयोजित होंगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। तो गर्मियों में 21 मई से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने प्राइमरी, अपर प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल यानी कक्षा 8वीं तक के लिए सर्दियों की छुट्टी घोषित की है। मतलब विंटर वेकेशन की घोषणा यहां पर की गई है। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक राज्य में 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां रहेंगी। स्कूल अब 15 जनवरी 2022 के बाद खुल सकेंगे। यूपी बोर्ड के जारी एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल यूपी में स्कूल कुल 113 दिन के लिए बंद रहेंगे, जबकि पढ़ाई 237 दिन होगी। बोर्ड परीक्षाएं 15 दिनों के भीतर आयोजित कर ली जाएंगी। तो ये कैलेंडर के मुताबिक पूरा शेड्यूल है कि कितने दिन स्कूल खुलेंगे, कितने दिन बंद रहेंगे और किस तरह से जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो यहाँ आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा गर्मी की छुट्टियों के लिए स्कूल 21 मई से 30 जून तक बंद किए जाएंगे। शिक्षा परिषद अब जल्द ही बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट भी जारी कर सकता है। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने जानकारी दे चुके हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए इस साल बोर्ड एग्जाम आने वाले असेंबली चुनावों के बाद आयोजित होंगे। बोर्ड जनवरी के पहले सप्ताह में बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल जारी कर सकता है। तो 14 जनवरी तक अब स्कूल बंद करने का ऐलान, क्योंकि जिस तरह से ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, उस कोरोना संकट के बीच एहतियातन ये फैसला लिया गया है और बोर्ड की तरफ से कैलेंडर भी जारी किया गया है।